क्योंकि गुजरात के जिले बाढ़ बारिश से इस वक्त बेहाल है। भीषण बारिश ने गुजरात की तस्वीर आज की तारीख में बिगाड़ के रखी हुई है। आप जहां भी नजर डालेंगे वहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से राज्य के डैम लबालब। सरदार सरोवर डैम का जलस्तर इतना बढ़ गया कि भारी मात्रा में पानी जो है वो नर्मदा नदी में छोड़ना पड़ा, मतलब डैम के जो गेट हैं वो खोलने पड़े, जिसके बाद निचले इलाकों में अब बाढ़ आ चुकी है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें आप अहमदाबाद, बड़ोदरा, खेड़ा, राजकोट, राजधानी गांधीनगर, मतलब गुजरात के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर आप देख रहे थे। और इस बीच गुजरात में बारिश जो कहर बनकर बरस रही है, कई जिलों में तो बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताती हूँ। आज भी गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। राजकोट, वडोदरा, सूरत में खराब हुए हालात और गुजरात में राहत बचाव के लिए अब सेना को तैनात करना पड़ा। सेना की 6 टुकड़ियों को मोरबी, आणंद भेज दिया गया है। द्वारका और राजकोट भी सेना भेजी गई है। तो गुजरात के कई जिलों में सेना ने अब कमान संभाल ली है। कई जिलों में सेना को तैनात कर दिया गया है हालात संभालने के लिए। राजकोट, वडोदरा, सूरत, यहां हालात बहुत खराब हो गए हैं। राहत और बचाव के लिए सेना को मैदान में उतारना पड़ा है। 6 टुकड़ियां सेना की मोरबी, आणंद भेजा गया, द्वारका, राजकोट भी सेना को तैनात किया गया है, ताकि स्थिति में सेना जो है वो लोगों तक मदद पहुंचा सके। स्थिति में सेना जो पानी में फंसे हुए लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सके। तो हालात बिगड़ते हुए बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। बादल गुजरात के आसमान में डटे हुए हैं और अब तो डरा रहे हैं, क्योंकि इतनी बारिश हो चुकी है, इतना पानी भरा हुआ है कि लोग अब डर रहे हैं। और आइए सिलसिलेवार तरीके से अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर जो है वो वडोदरा की है जो आप देख रहे हैं, और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे वडोदरा में तो जल कर्फ्यू लगा हुआ है। एक अस्पताल पानी पानी हो गया, बस स्टैंड पानी में डूब गया। बारिश के चलते हुए जलभराव से लोगों की जान मुश्किल में घिरी हुई है। रिहायशी इलाकों में अब मगरमच्छ तैरते हुए नजर आ रहे हैं। सैलाब में घिरे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ रहा है। ये देखिए किस तरीके से सड़कों पर लबालब पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। लोग तैर रहे हैं, इतना पानी है यहां पर, समझ नहीं पा रहे लोग कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। किसी तरीके से मदद की जाए, एक दूसरे की बचाव किया जाए। देखिए किस तरीके से यहां पर रस्सियां बांधकर, रस्सियों के सहारे से ये आवाजाही करते हुए लोग, अपनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हुए लोग। इन तस्वीरों में आप देखिए कैसे एक शख्स ने बच्चे को अपने कंधे पर बिठाया हुआ है, पीछे दूसरा शख्स, फिर महिला, और ये जो रस्सी बांधी थी उसी के सहारे ये लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश में है। निर्माणाधीन इमारत भी यहां पर पीछे नजर आ रही है। बहुत मुमकिन है कि ये लोग मजदूर हों जो यहां पर काम कर रहे हों, और ऐसे में जब हर तरफ पानी ही पानी, तो फिर यहां जो अस्थाई अपना घर बनाकर ये रह रहे हों, वहां से इनको बाहर निकलना पड़ रहा हो। ये देखिए किस तरीके से ये इलाका पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। वडोदरा का हाल बेहाल है। वडोदरा से आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक की एक रिपोर्ट। ये वर्सर की तस्वीर है। यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा है कि लोग जो बड़ी मुश्किल से देखिए निकल रहे हैं, ये सामने की ओर देखिए बच्चों को लोग अपने अपने ऊपर लाद करके अपने कंधे पर और बच्चों को निकाला जा रहा है। सोसाइटीज में लोग छत पर अभी भी रह रहे हैं जहाँ हमको दिखाई पड़ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए पानी जो है कमर को पार कर चुका है। किसी तरह से बच्चों को वहाँ से निकालने की कोशिश चल रही है। ये हमारे आंखों के सामने ये घटना घट रही है। ये तस्वीर है वडोदरा के वड़सर की तस्वीर है। ये देखिए बच्चे को निकालने की कोशिश, और लोग बड़ी मुश्किल से सहारा लेकर के बीच में जो ये जो खंभे हैं इन पे हाथ रख कर के किसी तरह से पार कर रहे हैं। एक महिला हैं, उनको भी यहाँ से निकाला जा रहा है। ये पूरा इलाका जो है तेज पानी की चपेट में है, और ये पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक बार यहाँ से तस्वीर दिखाइएगा, देखिए यहाँ से लेके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा रास्ता जो है, और ये सब ये वड़सर इलाके के की रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल क्षेत्र है, और यहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं, सोसाइटीज हैं बड़ी बड़ी, और वो सब जो है इस तरह से पानी में समाती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार हम उनकी भी
तस्वीर देखते हैं, देखिए पानी का फ्लो यहाँ पर बेहद ही तेज है, इसलिए उनको निकलना वहाँ से एक बड़ा चैलेंज। देखिए यहाँ से आते हुए हमको दिख रहे हैं, ये दिखाइएगा आप, देखिए यहाँ खड़ा होना कितना मुश्किल हो रहा है, कितना तेज पानी का फ्लो आ रहा है और ये पानी का फ्लो आगे की ओर खींच रहा है। इस बीच में हमको यहाँ पर आते हुए लोग दिख रहे हैं, ये देखिए इस बच्चे को निकाल करके ला रहे हैं ये, और साथ में इनके साथ में एक महिला है, और यहाँ पर पानी का फ्लो जहाँ अभी लोग खड़े हैं ये बेहद ही तेज हो गया है। ये हम जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जो यहाँ के हालात हैं, जिस तरह से वर्सर में लोग परेशान हैं, अब वहाँ पर जा करके ये वो ठहर गए हैं, और ये स्थिति इसलिए है क्योंकि ये जो विश्वामित्री नदी है ये करीब 30 फीट की डेडलाइन है उसको भी पार कर चुकी है। आजवा डैम से जो पानी का लेवल है वो लगातार वहाँ से जो पानी छोड़ा गया है उससे ज़्यादा समस्या आ रही है। और देखिए इसके ज़रिए ये जो है ये यहाँ से बांस आगे कर रहे हैं, और इसके ज़रिए ये कोशिश कर रही बांस पकड़ाई गई, इसके ज़रिए कोशिश कर रहे हैं, कितनी देर से फंसे हुए थे, आइए कब से फंसे हुए थे आप लोग अंदर? ओ भाई कब से फंसे हुए थे भैया? अरे फंसा नहीं हूँ, मेरी बहन को लेने के लिए गए। आप लेने के लिए गए हैं, उधर कितने लोग और अभी? बहुत सारे लोग हैं। हाँ। पानी वहाँ क्या एकदम गर्दन तक पानी है? छोटा सा बच्चा है, ऐसे बच्चे और भी हैं क्या? हाँ वो है ना उधर। आप इनको वहाँ से ले करके निकाल के लाए? हाँ वहाँ से निकाल के लेके आए। और उधर अभी तक कोई सहायता पहुँची है, कोई मदद पहुँची है? कोई नहीं मदद, खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उन लोगों के पास, खाना भी नहीं है। ये देखिए ये कितनी यहाँ की ये त्रासद तस्वीर है, एक के बाद दूसरे लोग हमको आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए अभी उधर से भी कुछ लोग ये पार करके आ रहे हैं, और ये किसी तरह से आ रहे हैं, और ये लड़का आगे की ओर गया है उनको वहाँ से निकालने के लिए, क्योंकि अभी ये जो तार लगाया गया है इसी तार को पकड़ करके आने की कवायद है, और तैर करके वो व्यक्ति सामने से आ रहा है और उसको पकड़ करके इस तार के सहारे लाया जा रहा है। ये वर्सर की तस्वीर है, इस तरह से यहाँ पर ये लोग आम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। कैमरा राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़ वडोदरा। और इस बीच ये वडोदरा की ही तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए किस तरीके से ये छत पर लोग फंसे हुए हैं, छत पर आप देख रहे हैं लोगों को, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इसे कैमरे को देखकर ये लोग हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं, कोई रिहायशी इमारत ये नजर आ रही है और उसके ऊपर छत पर ये लोग चढ़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नीचे की तरफ देखिए कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है। और ये तस्वीरें कैमरे की तरफ वेव करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं, छोटे बच्चे भी यहां पर नजर आ रहे हैं, महिलाएं यहां पर नजर आ रही हैं, पुरुष यहां पर नजर आ रहे हैं। और वहीं इस रिहायशी इमारत के सामने का जो इलाका है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ आप देख रहे हैं। तो वडोदरा की ये तस्वीर आपके सामने, शहर जो है वो पानी नजर आ रहा है। गुजरात के वडोदरा में लगातार बारिश जारी है और पानी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, रिहायशी इलाकों में पानी घुसता जा रहा है। हम इस समय जो मकरपुरा का स्टेशन है उसके ठीक नज़दीक हैं, और यहाँ पर ये राजनगर का इलाका है जहाँ पर पानी घुस चुका है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, टायर का सहारा ले रहे हैं बाहर निकलने के लिए। ये जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ ऐसे ही पानी भरा हुआ दिखाई देगा, उधर से भी लोग निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर एक फ्लाईओवर है जहाँ लोग आ रहे हैं और सीढ़ियाँ चढ़ करके फ्लाईओवर से निकल करके जा रहे हैं, इधर पूरा पानी भरता जा रहा है, पानी है। हाँ, पानी भर के आप लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हो? हाँ बाहर निकल रहे हैं, हाँ बाहर निकल रहे हैं। तो ये देखिए लोग यहाँ से बाहर निकल करके जा रहे हैं, और वो इसलिए है क्योंकि ये पानी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर रुकना अब खतरे से खाली नहीं है। विश्वामित्री नदी में पानी लगातार बढ़ रहा है, लेवल भी बढ़ता जा रहा है आजवा डैम का, और उसका नतीजा हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं
इनके लिए बेहद मुश्किल है। निकाल रहे हैं इनको यहाँ से बाहर? हाँ निकाल रहे हैं इनको, ज्यादा पानी आ गया सुजन में, इसके लिए इनको उस तरफ ले जा रहे फाटक की तरफ। आप लोग सब लोग खाली कर रहे हो? हाँ आधे से ज्यादा लोगों ने खाली कर दिया, अभी हम भी जा ही रहे हैं खाली कर। ये इसी सीढ़ी से ऊपर जाओगे आप? नहीं नहीं अभी ये क्रॉस करके फाटक की तरफ। सारे जो जो बुजुर्ग हैं उनको आप लोग यहाँ से निकाल रहे? बहुत पानी भर गया ना घर के अंदर भी, बहुत पानी चला गया हुआ इसकी वजह से, खाने पीने का सब गैस हुए। आज सुबह से ज्यादा पानी आया है? नहीं कल से ही ज्यादा है, कल शाम से। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने को लेकर राजनीति गर्म है। आज शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे किले पर गए थे और उसी वक्त बीजेपी के नेता नारायण राणे और उनके बेटे नीलेश राणे भी वहां पहुंच गए। अभी की खबर ये कि राणे के समर्थकों ने आदित्य ठाकरे का रास्ता रोक दिया, दोनों तरफ से कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत चल रही है। आप जानते हैं किस तरीके से दो दिन पहले शिवाजी महाराज की मूर्ति जो है वो टूट गई थी, जिसके बाद जोरदार सियासी घेराबंदी महायुति सरकार की महाविकास अघाड़ी की तरफ से की गई थी। और आज यहीं सिंधुदुर्ग में जिस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटी थी वहीं पर पहुंचे थे शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे, लेकिन उसी वक्त बीजेपी के नेता नारायण राणे और उनके बेटे नीलेश राणे मौके पर पहुंच गए। और देखिए किस तरीके से ये सियासी गहमा गहमी बढ़ती हुई नजर आई, टकराव नारायण राणे और आदित्य ठाकरे के समर्थकों में होता हुआ नजर आया। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त मौजूद है। वैभव, ये तो शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के स्थल पर सिंधुदुर्ग किले में सीधे सीधे सियासी संघर्ष देखने के लिए मिल रहा है। और यही महाराष्ट्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, राजकोट का किला है, वहाँ पे राजनीति अब गर्म हो गई है। देखिए राणे और ठाकरे परिवार का वाद विवाद है वो काफ़ी पुराना है, लेकिन ये जगह सही नहीं है जहाँ पे आप जिस तरह से विवाद कर रहे हो। दोनों कार्यकर्ता आक्रामक है, मैं किसी एक कार्यकर्ता के बारे में नहीं कहूंगा, जितने आदित्य ठाकरे के कार्यकर्ता आक्रामक है उतने ही नारायण राणे की कार्यकर्ता देखिए वो भी आक्रामक रीता वहां पे घोषणाबाजी कर रहे हैं। अभी की फिलहाल की ये स्थिति है कि आदित्य ठाकरे किले पर बैठे हैं और जो बाहर जाने वाला रास्ता है वो नारायण राणे समर्थकों ने रोक के रखा है, वहां की पुलिस यंत्रणा काफी कम गिर रही है। देखिए सवाल ये उठता है कि अगर आपको मालूम है ये सेंसिटिव जोन है, ठाकरे और राणे परिवार का विवाद काफी पुराना है, ऐसे में वहां पे पुलिस प्रशासन से ज्यादा बंदोबस्त तैनात किया जाने वाला था, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आदित्य ठाकरे ऊपर जाने के बाद नारायण राणे की वहां पे एंट्री होती है। नारायण राणे वहां पे जो समर्थक है वो वहां पे घोषणाबाजी देने लगते हैं, वहां से आदित्य ठाकरे वहां के जो लोकल विधायक है वैभव नाइक उनके समर्थक वहां से घोषणाबाजी करने लगते हैं, तो ऐसे में वाद विवाद है वो बढ़ते जा रहा है। अभी करीबन एक घंटा से ज्यादा ठाकरे जो है अगर वो सिंधुदुर्ग किले में उस जगह पर जा रहे थे जहाँ पर शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटी थी, तो जाहिर सी बात है पुलिस से अनुमति उन्होंने ली होगी, पुलिस की जानकारी में ये बात होगी, तो ऐसे में तो सीधे सीधे यहाँ पर अब कटघरे में जो महाराष्ट्र पुलिस है वो भी आएगी कि आखिरकार सुरक्षा दे पाने में यहाँ पर असक्षम क्यों नजर आई महाराष्ट्र पुलिस? वैभव एक बात का यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, सिर्फ आदित्य ठाकरे नहीं गए है तो पूरा एमबीए का सिस्टम मंडल है वो उस किले पे गया है, उसमें एनसीपी के लोग भी शामिल है, कांग्रेस के भी लोग शामिल है, लेकिन निशाने पे आदित्य ठाकरे, क्योंकि राणे और ठाकरे परिवार का वाद विवाद है। अब सवाल ये आता है कि अगर इतने बड़े बड़े नेता वहाँ पे बड़े किले पे जा रहे हैं, जो सेंसिटिव जोन है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पे जो स्टैचू गिरने के बाद पूरे महाराष्ट्र में जो बवाल मचा है, वहां पे जाने के बाद अगर पुलिस यंत्रणा कम गिरती है तो ये सवाल होम डिपार्टमेंट में उठना स्वाभाविक है। अभी कुछ ही देर पहले हमने सुप्रिया सुले से बात की तो उन्होंने भी ये सवाल पूछा कि अगर होम मिनिस्टर को ये मालूम है कि वहां पे सेंसिटिव जोन है, नेता आने जाने वाले हैं, तो वहां पे पूरी पुलिस व्यवस्था क्यों नहीं है, ये सवाल तो पूछना स्वाभाविक है। अब देखना यह होगा कि वहां का जो गढ़ है, जो कोंगण माना जाता है, वो नारायण राणे का गढ़ माना जाता है। देखिए इस लोकसभा चुनाव में नारायण राणे ने आदित्य ठाकरे के जो कैंडिडेट थे विनायक राउत उनको पराभूत किया है, उसके पहले विनायक राउत ने नीलेश राणे जो नारायण राणे के बेटे हैं उनको हराया था।
अब देखो ये आपसी दुश्मनी का मामला कहां तक गढ़ा है, राजकोट किले पे जहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है वहां पे आमने सामने गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं, एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो जगह पे राजनीति होनी चाहिए वहां पे राजनीति हो नहीं रही, और इसका पूरा जो ब्लेम है वो होम मिनिस्ट्री पे ही उठता है। क्योंकि अगर इतने बड़े बड़े नेता जाते हैं, अगर आपके पास पुलिस फोर्स है तो अभी तक एक घंटे तक पुलिस फोर्स क्यों नहीं पहुंची, ये भी सवाल यहाँ पे उठता है। और आदित्य ठाकरे वहां से जाने के लिए निकलते हैं तो पुलिस भी उन्हें रोकती है कि आप यहाँ से जाइए मत, क्योंकि आगे जाके कुछ भी खतरा आपके ऊपर मोल सकता है, मारपीट हो सकती है, रास्ता रोको हो सकता है, कोई भी पत्थर फेंक सकता है। लेकिन वहां पे आदित्य ठाकरे के जो दूसरे विधायक है वैभव नाइक, उन्होंने चैलेंज किया, अगर आप यहाँ से हमें जाने नहीं देंगे तो हम यहाँ से कूद कूद कर लोगों को यहाँ से पीटेंगे, वहां से हकाल देंगे, यानी इसका वापस रूपांतर मारपीट में होने वाला है। इसीलिए पुलिस प्रशासन व्यवस्था है जो गिने चुने पुलिस है वहां पे, मैं आपको यहाँ पे बता जाऊंगा कि जो गिने चुने पुलिस है वहां पे उन्होंने सब रोक के रखा है, यानी उनको भी यहाँ पे सल्यूट करना पड़ेगा। लेकिन चार पांच पुलिस हम दृश्य में देख सकते हैं, चार पांच पुलिस, मुझे लगता है जरा सा आपको दर्शकों को यही बताना चाहिए कि महाविकास अघाड़ी का पूरा बता रहे शिष्टमंडल है जो आज इस सिंधुदुर्ग किले पर पहुंचा, तो ये अनुमति लेकर गया सरकार से, सरकार ने इन्हें इजाजत दी, और अगर सरकार ने इजाजत दी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पुलिस की तैनाती क्यों सही नहीं है, संख्या क्यों कम है, इसको लेकर सवाल उठेंगे। वैभव, अनुमति लेकर गया था शिष्टमंडल? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, यहाँ पे विपक्ष नेता भी है, अगर वहाँ पे जो प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट है उसको पहले इन्फॉर्म किया जाता है, वहाँ के लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, जो जिले का या डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसको भी इन्फॉर्म किया गया था। अगर इतना इन्फॉर्म करने के बाद आपका इंटेलिजेंस फेल है, इसका मतलब आपको मालूम नहीं है कि राणे और ठाकरे परिवार की क्या विवाद है, काफी सालों से चल रहा है। जहां जहां उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे कोंकण जिले में जाते हैं तब तब नारायण राणे और ठाकरे समर्थकों में ये राड़ा हमेशा देखने ही मिलता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज अगर आपको मालूम है एमवीए के लोग गए हैं तो वहाँ का होम डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस को मालूम नहीं था कि नारायण राणे भी उस वक्त आने वाले हैं, नीलेश राणे भी वहाँ पे आने वाले हैं। नीलेश राणे वहाँ का एक आक्रामक चेहरा है कोंकण का, जो नारायण राणे के बेटे हैं, जो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, यानी इसका मतलब ये है कि वहाँ के एमवीए के नेता जाने के बाद पुलिस प्रशासन इतनी कम संख्या में क्यों थी, और संख्या में क्यों थी इसका मतलब ये भी होता है कि नारायण राणे वहाँ पे आने वाले थे ये पुलिस को पता नहीं था। अगर नारायण राणे वहाँ पे आने वाले भी थे तो दूसरी जगह से भी उनको लाया जा सकता था, एक ही जगह पे क्यों लाया गया, ये भी सवाल यहाँ पे उठता है, यानी इसका पूरा जो सवाल है वो होम डिपार्टमेंट पे उठता है। तो सवाल ये है कि ये जो आरपार की स्थिति बन गई है कि मतलब एक तरफ महाविकास अघाड़ी का शिष्टमंडल जो है और जिसमें आदित्य ठाकरे जो हैं वो किले के भीतर मौजूद हैं, और बाहर की तरफ नारायण राणे, नारायण राणे के बेटे और उनके समर्थक वहां पर डटे हुए हैं, तो आखिरकार बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए? कि अगर कुछ होता है तो जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था खराब होती है तो निशाने पर तो महाराष्ट्र सरकार आएगी ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या नारायण राणे से बात करने की, उनके बेटे से बात करने की सरकार की तरफ से कोई कोशिश, हालात संभालने की क्या कोशिशें हैं? देखिए यहाँ पे नारायण राणे और नारायण राणे के बेटे से बात करने की कोशिश सरकार कर सकती है, पर वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जो उनके पार्टी के ही होम मिनिस्टर है उनको बात करनी पड़ेगी। अब उनकी बात कितनी मानते हैं ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं फिर एक बार यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, ये वाद विवाद है ये ठाकरे और राणे परिवार का है, और ये मौका मिला है उनको वाद विवाद करने का, यानी फडणवीस जी अगर होम मिनिस्टर भी उनसे बात करते हैं तो नीलेश राणे और नारायण राणे इनकी बात कितनी सुनेंगे, ये भी यहाँ पे सवाल उठता है। अगर यहाँ पे अगर बीच का रास्ता निकालना है तो वहाँ पे एडिशनल फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, वहाँ की एक्स्ट्रा फोर्स है वो मंगानी पड़ेगी, तभी यहाँ से रास्ता निकलेगा। एक घंटा हो गया है, राजकोट करीबन मालवन से लंबा है, जो मेन डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा लंबा ये किला है। बहुत शुक्रिया वैभव परब, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिए। अब क्या होगा यहाँ महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग में, नजर हमारी बनी हुई है, फिलहाल टकराव की सी स्थिति बनी हुई है यहाँ पर। और आइए जरा बंगाल का रुख कर लेते हैं, बीजेपी के बंगाल बंद पर ममता बनर्जी का बयान सामने आ गया है। ममता बनर्जी कह रही है बंगाल को बदनाम करने का ये षड्यंत्र है, ईडी सीबीआई सब जालसाज, ये ममता बनर्जी का बड़ा बयान। सीधे केंद्रीय एजेंसियों को निशाने पर लेते हुए साध रही हैं वो सीधा निशाना बीजेपी पर। आमरा
আজ কি যারা কামদুনি বলেন তাদের বলি, কামদুনি কেশব আমরা ফাঁসি চেয়েছিলাম, দুজনের যাবজ্জন্য হয়েছিল হাইকোর্টের রায়ে, অনেক চোখদাতা কেমন ছেড়ে দেওয়া হয় মনে রাখবেন, এমনকি আমার কাছে প্রায় ফাইল আসে 10-12 বছর হয়ে গেছে ওদের ছেড়ে দেওয়া হোক, কেন ছাড়া হবে, যে খুনিটাকে কেন ছাড়া হবে, যে ধর্ষণকারী কেন ছাড়া হবে, যে অত্যাচারীটাকে কেন ছাড়া হবে, কিসের নিয়ম, কিসের নিয়ম? আমি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে সতর্ক করলাম, আবেদন জানালাম, আপনি একটা ন্যায় সংহিতা তৈরি করেছেন নতুন আইন, তাতে 10 বছরের একটা ধাপ, 12 বছরের একটা ধাপ, 16 বছরের একটা ধাপ, তারপরে আর একটা ধাপ, তারপর 10 বছর। কেন এই ন্যায় সংহিতা করার কি প্রয়োজন ছিল? আমি এখনো বলি রাজ্যের হাতে পাওয়ার নেই, রাজ্যের হাতে পাওয়ার থাকলে আমি 7 দিনে করে দেবো, যারা ধর্ষক করবে তাদের একমাত্র শাস্তি ফাঁসি, 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 আর কিছু নয়। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप सुन रहे हैं। दरअसल आज तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का स्थापना दिवस है और इसी मौके पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ममता बनर्जी पहुंची। मंच से ममता बनर्जी के निशाने पर सीधे बीजेपी है। ममता बनर्जी कह रही हैं ईडी सीबीआई सब जालसाज, और ईडी सीबीआई मतलब केंद्रीय एजेंसी जिन्हें ममता बनर्जी निशाने पर ले रही है। ममता बनर्जी कह रही है ये सब कुछ बंगाल को बदनाम करने के लिए बीजेपी कर रही है। बीजेपी के बंगाल बंद पर ममता बनर्जी का ये कड़ा प्रहार, बंगाल को बदनाम करने का ये षड्यंत्र है। ईडी सीबीआई सब जालसाज हैं। देखिए आप जानते हैं सीबीआई को जांच सौंपी गई है कोलकाता की निर्भया, जो दरिंदगी हुई है वहां डॉक्टर बिटिया के साथ, उसी की जांच का जिम्मा इस समय सीबीआई के पास है। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि आरजीकर अस्पताल, जहां पर पहले प्रिंसिपल थे डॉक्टर संदीप घोष और उनके कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच बहुत मुमकिन है कि ईडी को दे दी जाए, और ऐसे में इन दोनों केंद्रीय एजेंसियों पर निशाना ममता बनर्जी की तरफ से साधा जा रहा है। ईडी सीबीआई दोनों जालसाज हैं। और साथ ही देखिए किस तरीके से बीजेपी की घेराबंदी के लिए ममता बनर्जी की तरफ से जिक्र मणिपुर का किया जा रहा है। इस्तीफे की मांग प्रधानमंत्री से ममता बनर्जी कर रही, बीजेपी पर ममता बनर्जी का यह बड़ा हमला, बंगाल को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने बंद बुलाया है, ईडी सीबीआई सब जालसाज हैं, मणिपुर अभी भी जल रहा है, बीजेपी पर ममता बनर्जी का यह जोरदार प्रहार। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोहवाल इस समय मौजूद हैं। मणिपुर को अभी भी इंसाफ का इंतजार, मनोज्ञा ममता ये कह रही है इस्तीफा मांगना है तो पहले प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगो, ये कहकर ममता जो पलटवार कर रही है बीजेपी पर, क्या मायने निकाले जाए? ये सियासी आरपार बीजेपी और टीएमसी में और आक्रामक होगा, टीएमसी बैकफुट पर नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं। देखिए मैंने आपसे कल भी यही कहा था और आज भी यही कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्ष की राजनीति बखूबी जानती हैं। जैसे ही वो ये यहाँ पर सत्ता में है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, तीसरी बार जीत कर आई है, लेकिन जैसे ही इस मुद्दे में तूल पकड़ा है अब वो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रही है। कह रही है जब उत्तर प्रदेश और मणिपुर में जितनी घटनाएं हुई है उसके लिए प्रधानमंत्री से पहले इस्तीफा मांगना चाहिए। जो कानून बनाए गए हैं वो न्याय तालिका में सिर्फ और सिर्फ 10 साल 12 साल 14 साल उसको अलग अलग खाप में जेल में किसी भी व्यक्ति को भेजा जाएगा, जबकि सजा सीधे फांसी की होनी चाहिए, और ये कानून तो केंद्र सरकार ने बनाया है। तीसरा सवाल सीधा उठाया मणिपुर पर कि मणिपुर की घटना में जिस तरह से बीजेपी ने अपना रवैया रखा है उससे कई गुना ज्यादा बेहतर बंगाल सरकार और बंगाल में खासतौर से पुलिस का कल रवैया रहा, जहाँ पर उनका ही कहना है, उन्होंने पुलिस को सैल्यूट कहा, ये कहते हुए कि पुलिस को मेरा सैल्यूट है क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की है उसे किसी व्यक्ति की जान नहीं गई जो कि बीजेपी चाहती थी और उस पर राजनीति करना चाहती थी। ऐसे में हमने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है और इंसाफ इस समय सीबीआई देगी। 14 दिन से अगर सीबीआई की हिरासत में है सब, तो फिर सीबीआई ने क्या किया इसका जवाब सीबीआई दे। इंसाफ तो हम मांग रहे हैं इस मामले में और हम भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। देखिए ये एकमात्र ऐसा मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आवाज उठाई हो या फिर जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को तूल दिया हो। एक के बाद एक उनके भाषण में जो बातें आ रही हैं उन्होंने यही साफ कहा है कि राज्य में अभी भी
राज्य में हाथ में पावर आने पर रात भर दिन भर दंगे दोषी और फांसी फांसी की सजा देंगे। वो कह रही है कि शर्म अगर नहीं आती है किसी को, वो जज और जुडिशरी सब पर सवाल उठा रही है। ये कहते हुए कि मैं उन पर भले ही सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन मैं उनसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि अगर महाराष्ट्र कोर्ट बंद पर रोक लगाई है तो फिर PIL करके उस पर वो क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं यहाँ पर बंगाल में। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ममता बनर्जी मंझी हुई राजनेता ये कहना पड़ेगा, क्योंकि किस तरीके से आक्रामक बीजेपी का सामना करना है ये अपने इस भाषण के दौरान बीजेपी की घेराबंदी करते हुए ममता नजर आ रही हैं। ममता दिखा रही हैं कि अगर बीजेपी की तरफ से उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है तो ममता और आक्रामक अंदाज में मंच से खड़े होकर मणिपुर का जिक्र करके यहां सीधे प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात किए दे रही है। ममता बनर्जी जो है वो जिस तरीके से अभी मनोज्ञा बता रही थी, किसी को बख्श नहीं रही है, अदालतों जजों सबको कहीं ना कहीं ममता इशारों इशारों में कटघरे में खड़ा करती हुई इस अंदाज में कि अगर विपक्ष महाराष्ट्र के अंदर बंद का आह्वान करता है तो वहां पर कोर्ट जो है वो महाराष्ट्र में विपक्ष के बंद को गलत करार देता है, तो बंगाल में अदालतें क्या कर रही हैं, क्यों बंगाल में विपक्ष जो कि बीजेपी है उसके बंद पर रोक नहीं लगाई जाती। ये कई सवाल हैं जो ममता बनर्जी की तरफ से सामने रखे जा रहे हैं और इन सवालों के जरिए ममता बनर्जी कटघरे में उल्टे बीजेपी को खड़ी करती हुई नजर आ रही है और साथ ही कोलकाता की निर्भया को इंसाफ, इसकी मांग ममता बनर्जी अब कर रही है मंच से खड़े होकर, ये कहते हुए कि पिछले 14 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, अब तो जांच का जिम्मा CBI के हाथ में है, CBI जल्द से जल्द जांच क्यों नहीं कर रही, ये सवाल ममता की तरफ से उठाया जा रहा है। मनोज्ञा लोहवाल हमारे साथ लगातार बनी हुई है, ममता बनर्जी का ये आक्रामक अंदाज मंच से नजर आ रहा है जहां तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम में ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही हैं। बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है।